हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट यानी कि जेओए आईटी सीरीज बी का प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के कर्मचारी की संलिप्तता पाई गई है। आरोप है कि इस कर्मचारी के मोबाइल पर मंडी के दो अलग अलग बीएड कॉलेजों में बने परीक्षा केंद्रों से पेपर लीक होकर आए हैं। कुल्लू में किसी रिश्तेदार को पेपर भेजने का भी आरोप इस कर्मचारी पर है। इसके साक्ष्य पुलिस ने जुटाए हैं। पहले अभिलाषी बीएड कॉलेज से पेपर लीक होने की बात सामने आई थी और जांच के दौरान दूसरे संस्थान से भी इस तरह का मामला सामने आया। ये भी खुलासा हुआ कि जिस बीएड कॉलेज के केंद्र से पेपर लीक हुआ है वहां केंद्र के उपाधीक्षक ने अभ्यर्थी बनकर किसी अन्य केंद्र में जेओए की परीक्षा दी थी। सूत्रों के हवाले से हम आपको जानकारी बता रहे कि प्रबंधन की मदद से ये किया गया और तो और परीक्षा केंद्र में उपाधीक्षक की हाजिरी भी फर्जी पाई गई है। पुलिस इस बीएड कॉलेज के बने केंद्र के उपाधीक्षक और कॉलेज के उप प्राचार्य से पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि सुंदरनगर में नकल के दौरान शिक्षा बोर्ड में तैनात मंडी के कर्मचारी का सुराग हाथ लग चुका है। इसके बाद पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई। मामले में संलिप्त सभी आरोपी एक दूसरे के रिश्तेदार या फिर करीबी भी बताए जा रहे। आपको बता दें कि 24 अप्रैल को सुंदरनगर के नकल का मामला पकड़ा गया था। इसके बाद पूरा मामला सामने आया। अब तक 9 लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो चुकी है। सभी हालांकि जमानत पर है। प्रदेश में 24 अप्रैल को 517 केंद्रों पर 300 पदों के लिए एग्जाम हुआ था और सुंदरनगर के निजी कॉलेज में भी इसका पेपर हुआ था। वीरू जी, विकास शर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विकास, पूरा मामला तमाम दर्शकों को हमने विस्तार से बता दिया। अब चूंकि विपक्ष हमेशा से या फिर इस पूरे विधानसभा चुनाव को लेकर महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा उठाते आई है, पेपर लीक और अब जेओए आईटी का भी मुद्दा, विकास निश्चित रूप से देखिए, और मैं पहले से ही कहता रहा हूं कि ये जी का जंजाल जो है ये बना हुआ है राज्य सरकार के लिए कि आखिरकार किस तरह से इन मामलों को, जो कि कानून व्यवस्था से जुड़े मामले हैं, किस तरह से इन मामलों को अब निपटाया जाए। कि आने वाला समय जो है, अब चुनावी प्रक्रिया जो है वो शुरू होनी है। सबसे पहले एमसी शिमला, नगर निगम शिमला का चुनाव होना है। ये इस तरह के मामले जो है वो चुनावी मुद्दे में जरूर शामिल किए जाएंगे। और इसके साथ साथ पेपर लीक मामला है पुलिस भर्ती का, वो भी होता है। पेपर लीक मामला है जेओए आईटी का। ये तमाम चीजें जो है आखिरकार इन सब के बीच समझने की जरूरत ये है महिमा, कि आखिरकार जो ये भर्ती के लिए या इस तरह के पदों को भरने के लिए जो ये भर्ती प्रक्रिया रहती है, जो किस तरह की ये टेस्ट जो है वो हुई किए जाते हैं, किस तरह से ये पेपर जो है वो करवाए जाते हैं, कौन वो लोग हैं, आखिरकार क्यों सरकारी जो कर्मचारी हैं, सरकारी जो अधिकारी हैं, तमाम ये अधिकारी आखिर किस तरह से ये ड्यूटीज लगाते हैं। धर्मशाला स्कूल शिक्षा बोर्ड, अब उसका मामला सामने आ रहा है। पहले पुलिस के ऊपर ही सवाल उठ रहे थे क्योंकि ये मंत्रालय सीधा मुख्यमंत्री के पास है। शिक्षा मंत्री की अगर बात करें तो वो भी जवाब जो है वो खुलकर नहीं देते। मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो वो भी राजनीतिक समीकरण जो है वो जोड़कर इसमें देखते हैं। जांच एजेंसियों की जांच की बात यहां पर जरूर कही जा रही है, लेकिन वो हजारों अभ्यर्थी, हजारों लोग, हजारों बच्चे जो कि तैयारी करके इस पेपर को करने के लिए यहां पर आते हैं और अब अपीयर होते हैं परीक्षा के लिए, और उसके बाद जो है वो अचानक उनको ये पता चलता है कि जो दूर दराज के इलाकों से लोग आते हैं और आकर जो जहां पर भी ये परीक्षा सेंटर जो होता है वहां पर पहुंचते हैं, कितना मुश्किल जो है अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल नहीं है महिमा, कि किस तरह से लोगों की दिक्कतें रही होंगी, बच्चों की दिक्कतें रही होंगी, और उन सबके बीच जो सरकार की लचर व्यवस्था, अगर कहूं तो गलत नहीं होगा कि लचर व्यवस्था के कारण ही जो जिस तरह से अनदेखी जो है इन तमाम पेपर की अब की गई है, और ये पाया गया है कि कभी पेपर लीक हो जाता है तो कभी कुछ अनियमितताएं जो है वो इसमें पाई जाती हैं, सवाल उठना लाजमी है और राज्य सरकार को आगे आकर जांच एजेंसियों से जरूर जांच जो है उसकी कराई जानी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जो है वो यहाँ पर होनी चाहिए। जी शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए विकास शर्मा। तो आपको बता दें कि पेपर लीक मामले को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है।